गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर फोर शब्द विचार। अब इसमें हम पाठ में पढ़ते हैं शब्द विचार में कि ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द कई वर्णों से मिलकर के बने हैं, यानी जो ये शब्द लिखे हुए हैं वो कई वर्णों से मिलकर बने हैं और उनमें कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, अतः ये सार्थक शब्द हैं, जैसे तोता, कमीज, तरबूज। गचाली, कटामा, चकुदी, इनमें भी कई वर्ण हैं परंतु इनमें कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, यानी इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द अथवा वर्ण समूह मात्र हैं, यानी वर्ण में समूह मात्र हैं, यानी वैसे ही बना दिया है इनको। और शब्द की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं, और शब्दों से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। जिस व्यक्ति को जितने अधिक शब्दों का ज्ञान होता है उसका भाषा पर उतना ही अच्छा अधिकार होता है, यानी शब्दों को और भावों को, जो विचारों को, आदमी को जितना अच्छा ज्ञान होता है उतना ही उसको अच्छा, मतलब अपनी भाषा के ऊपर अच्छा अधिकार होता है उसका। और शब्द भेद, यानी कई शब्द कई प्रकार के होते हैं, इनके भेद निम्नलिखित आधार पर इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है स्रोत के आधार पर, और तीसरा है रचना के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ये चार शब्द के भेद हैं। और पहला है अर्थ के आधार पर भेद, और शब्दों के कुछ मुख्य दो भेद होते हैं, यानी इनके भी दो भेद हैं, वो इस प्रकार से हैं कि सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द की जो परिभाषा है वो इस तरह से है कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ और उन्हें सार्थक कहते हैं, यानी जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उनको सार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे कमल, भाई, देश आदि। और निरर्थक शब्द यानी जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता, यानी कोई भी अर्थ नहीं निकलता है जिन शब्दों का, उनको निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खट, किच, चू आदि शब्द हैं। अब है विशेष। कई प्रकार वाक्यों में निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों की भांति किया जाता है, जैसे चाय बाय, खाना वाना आदि। बाय, बाना, बानी अर्थ, यानी इनका कोई अर्थ नहीं होता। और शब्द वाक्यों में सार्थक शब्द हैं जैसे चाय, खाना, पानी आदि के साथ प्रयुक्त होते हैं। और दरवाज़ा मत खटखटाओ, किच किच मत करो और आदि वाक्यों में निरर्थक शब्द खट, किच, किच सार्थक बन गए हैं, यानी इनको मिलाकर के वाक्य बनाने पर इनको सार्थक, निरर्थक को सार्थक बना दिया गया है। और पहला है अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं निम्न प्रकार से हैं। पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थी, चौथा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और पांचवा है एकार्थी, और छठा है एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। पहला है पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे ये शब्द दिए गए हैं, जैसे पहाड़ का पर्यायवाची हो गया पर्वत, गिरी, नग, शैल, अचल, यानी कई इसके अर्थ बताए हैं। और फूल है, जैसे फूल को कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून आदि शब्दों से बोला जाता है। दूसरा है विलोम शब्द, यानी किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी जो भी शब्द लिखा होता है उसका विपरीत जो अर्थ होता है उसको विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थ शब्द भी कहते हैं, जैसे मान, अपमान, एक, अनेक, स्वदेश, विदेश। आगे अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पत्र, पत्र वो पत्ता, चिट्ठी भी बोला जाता है, तीर को किनारा, वाण भी कहा जाता है, आम साधारण, एक फल भी होता है, और उत्तर एक दिशा और जवाब। और चौथा है गय, वाक्यांशों के लिए एक शब्द,
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना भाषा पर अधिकार माना गया है माना जाता है और इससे कम से कम शब्दों में अपनी भाषा बात कहने का गुण प्रकट होता है। जैसे काम से जी चुराना वाला कौन होता है? कमजोर, कामचोर होता है। यानी ये जो वाक्य दिया गया है उसका एक अर्थ। प्रतिदिन होने वाला यानी प्रतिदिन क्या होता है? प्रतिदिन को क्या बोलते हैं जो रोजाना, उसको क्या बोला जाता है? दैनिक। और अब आ गए एकार्थी शब्द अपने, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, यानी कोई भी जो शब्द है उसका एक ही अर्थ होता है उसे उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापक, सीढ़ी, चप्पल, रसगुल्ला आदि, इन शब्द जो एक ही अर्थ होता है इनका। और अगला है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द देखने सुनने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं और ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे नारी, स्त्री, नाड़ी यानी नब्ज, और बहु, बहुत, बहु और बहु यानी बधु। और इनका नोट इस प्रकार है कि इनका अभ्यास हम आगे के अध्याय में करेंगे। दूसरा है स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर शब्द के भी चार भेद हैं। वो इस प्रकार हैं कि पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, और तीसरा देशज, और चौथा है विदेशी। यानी इन चारों को अलग अलग बताया गया है। पहला तत्सम शब्द यानी ये संस्कृत का शब्द है। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है और अधिकांश भारतीय भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ा है और हिंदी पर भी संस्कृत का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। संस्कृत के अनेक शब्दों को उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसमें संस्कृत के जो शब्द दिए जाते हैं उन्हीं को ही शब्दों को हिंदी में रूपांतरित किया जाता है। और संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी ये तत्सम शब्द की जो परिभाषा है वो इस तरह से है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मयूर, सूर्य, मयूर, वर्ष, मस्तक आदि, ये तत्सम शब्द हो गए। अब आ गया तद्भव शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका मूल रूप संस्कृत है किंतु हिंदी में इनके रूप में परिवर्तन आ गया है। ये तद्भव शब्द कहलाते हैं और तद्भव शब्द का अर्थ है इन उससे बना हुआ। यानी संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य से सूरज बन गया, अग्नि से आग, और रात्रि से रात, और मयूर से मोर, और क्षेत्र से खेत आदि। अब वो तत्सम और तद्भव शब्द इस प्रकार से दे रखे हैं। इसमें ग्राम, गाम, अर्ध, आधा, दंत, दांत, हस्त, हाथ, आम्र, आम, सप्र, सर्व, सांप, और सत्य, सच, पंच, पांच, और घृत, घी, कपूर, कर्पूर को कपूर, इस तरह से शब्द दे रखे हैं। आगे आ गया गय, देशा शब्द। यानी हिंदी भाषा में अनेक शब्द जन भाषाओं से आए हैं और इनका प्रयोग आंचलिक बोलियों में, भाषाओं में होता है, और हिंदी में आए ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्रीय शब्द यानी इसकी जो परिभाषा है देशी देशज शब्द की, कि ऐसे जो क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों का उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं और देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे फटाफट, पंगा, कड़क, पगड़ी, हुनंगी, जूता, लोटा, गाड़ी आदि, ये कौन से शब्द हैं? देशज शब्द हैं। अब आ गया घे, विदेशी शब्द। भारत में बहुत समय एक विदेशियों का शासन रहा और उनके प्रभाव से हिंदी में अनेक विदेशी शब्द आ गए और उन्हें आगत आए हुए या विदेशी शब्द कहते हैं। यानी हिंदी में जो आए ऐसे देशों से जो शब्दों को आगत यानी जो आए हुए उनको विदेशी शब्द कहते हैं। आगे इसमें कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के अनेक हिंदी में आज बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं। जैसे अरबी में औरत, अमीर, गरीब, हवालात, कानून, मरीज आदि, और फारसी में गुलाब, नमक, प्याज, जानवर, शादी, और आईना, गर्दन आदि। अंग्रेजी में ट्रेन, फिल्म,
और रेडियो, कॉफ़ी स्टेशन, कैमरा, चॉकलेट, स्कूल, कंप्यूटर आदि। पुर्तगाली में आलू, गोभी, तौलिया, साबुन, अलमारी और कमरा, चाबी आदि। और तुर्की में लाश, कुली और चमचा, बेगम आदि। और फ्रांसीसी में अंग्रेज, कूपन, कारतूस आदि। इनके अतिरिक्त चीनी, जापानी तथा अन्य भाषाओं के अनेक रूप शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं। अब तीसरा आ गया कि रचना के आधार पर शब्द के भेद किस प्रकार हैं। रचना यानी बनावट के अनुसार शब्द के तीन भेद दिए गए हैं। पहला है रूण, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूण। यानी पहला है रूण शब्द, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंडन न किए जा सकें और या अन्य शब्दों से इनका मेल ना बने, जिनके एक निश्चित अर्थ हो और उन्हें रूण कहते हैं। यानी कोई भी सार्थक शब्द के खंड नहीं हो सकें और शब्द के मेल ना बने और उनके एक अलग ही निश्चित अर्थ हो, उन्हें रूण कहते हैं। और पिता, पत्ता, जूता, दीपक और कुर्सी, बिस्तर और छत आदि रूण मूल शब्द हैं। और यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं और इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। और किसी रूण शब्द के साथ कोई शब्द का शब्दांश लगाकर यौगिक शब्द बनते हैं, जैसे राष्ट्र प्लस पति यानी राष्ट्रपति हो गया, और उप प्लस ग्रह मतलब उपग्रह हो गया, और शब्द प्लस शब्द हो गया इसमें ये, और शब्दांश प्लस शब्द हो गया। अब इसमें रसोई घर यानी रसोई प्लस घर से रसोई घर हो गया, वीर प्लस ता से वीरता हो गया, पुस्तक प्लस आले से पुस्तकालय हो गया। और नीचे योग ऋण, ऐसे यौगिक शब्द जिनका योग किसी विशेष अर्थ में ही स्रोत है और उसके योग ऋण शब्द कहते हैं। पंकज, लंबोदर, त्रियोलोचन आदि योग ऋण शब्द हैं। और पंकज यानी पंकज प्लस जय का अर्थ जो पंकज यानी जो कीचड़ में यानी जो कमल है वो कीचड़ में उत्पन्न होता है, और लेकिन जो पंक में है जो उत्पन्न प्रत्येक शब्द को पंकज नहीं कह दे, यानी जो प्रत्येक जो भी शब्द वस्तु है उसको पंकज नहीं कह सकते। पंकज का प्रयोग केवल कमल के लिए ही होता है और यह रूढ़ अर्थ में है। और लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट यानी जो उदर है वो लंबा है, और प्रत्येक मोटे व्यक्ति को लंबोदर नहीं कह सकते। ये सिर्फ इसका प्रयोग केवल गणेश जी के लिए ही किया गया है। और पीताम्बर यानी पीत प्लस अम्बर, पीताम्बर यानी पीला पीताम्बर है जो वस्त्र हैं वो किसके हैं, वो हैं श्री कृष्ण भगवान के। वीणा पाणी यानी वीणा प्लस पाणी यानी वीणा जो है वो किसकी है, सरस्वती की है, नारद की है। और नीलकंठ यानी नील प्लस कंठ यानी जिसके नीला जिसका कंठ है वो कौन है, भगवान शंकर हैं। और आदि योग ऋण शब्द हैं ये। और प्रयोग के आधार पर शब्दों के आठ भेद माने जाते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सातवां समुच्च बोधक और आठवां है विस्मय बोधक। और इनमें प्रथम चार विकारी शब्द प्रशब्द कहलाते हैं और अंतिम चार अविकारी शब्द लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से जिन शब्दों में विकार यानी परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि प्रभाव नहीं पड़ता और हमेशा एक ही समान होते हैं वे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। और इन सबका जो विस्तृत अध्ययन है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और इसका जो अभ्यास है वो इस तरह से दे रखा है कि नीचे दिए गए पहला क्वेश्चन है शब्दों को समूहों में सार्थक शब्दों के नीचे लिखें। और जो शब्द हैं ये जिसमें जैसे बताया है इसको कॉपी में वैसे ही करना है। और आगे दूसरा क्वेश्चन ये आपको करना नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं, वो लिखे हुए हैं आपको इस तरह से कॉपी में लिखने हैं। और निम्नलिखित तद्भव शब्दों के उचित तत्सम शब्द सही स्थान के राइट निशान लगाना है, जैसे आँख है तो आँख का अक्षी हो गया और हाथ का हस्ती हो गया, हस्त हो गया, अंगूठा का अंगुष्ठ हो गया और काठ का काष्ठ हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द छांट कर लिखिए। इनमें से यौगिक शब्द छांटना है ये खे राष्ट्रपति, और दूसरे में गे हरिद्वार, और तीसरे में पाठशाला, और चौथे में है रचनाकार,
निम्नलिखित शब्दों में से योग ऋण शब्द छांट कर लिखिए, और पहले में है दशानन, और दूसरे में है पीताम्बर, और तीसरे में है लंबोदर। थैंक यू। आपको इस तरह से कॉपी में इसको अभ्यास को कॉपी में व्याकरण की कॉपी बना करके उसमें करना है।